What is up, you lovely people? Welcome back to another vlog. Welcome back to a brand new vlog. And आज के इस vlog में मैं पहुंचा पटना college, जो कि है पटना university का हिस्सा. बहुत सारी inquiries आ रही थी. पटना college में admission लेना चाहिए कि नहीं? And वहाँ पे क्या मतलब अंदर में facilities दिए गए हैं and क्या नहीं दिए गए हैं? तो basically मेरा focus उस पे ही रहेगा. तो करता हूँ इस video को start. जैसे यहाँ पटना कॉलेज में एंटर करते हैं तो आप मेरे पीछे गेट के पीछे देख सकते होंगे कि कुछ गार्ड्स हैं यहाँ पे. मतलब सिक्योरिटी फीचर में जो पहले पटना कॉलेज बदनाम था उस पर काम किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया. एंड जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है ताकि कोई भी मतलब इलॉजिकल थिंग ना हो, कोई लीगल थिंग यहाँ पे ना हो. इस वीडियो में मेरे साथ है मेरा दोस्त वेदव्रत एंड एक और दोस्त है मेरा जो है ऋत्विक. इस वीडियो में ये दोनों मेरे साथ हैं एंड इस वीडियो को पूरा बनाने में लोग मेरी हेल्प करने वाले हैं. जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, जो कि सामने में लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी. तो सामने ये गेट जाता है, तब स्ट्रक्चर दे दिया गया पटना कॉलेज का, मैप कैसा कैसा इस तरीके से मैप दिखाया गया एंड यहाँ पे आपका बिल बोर्ड वगैरह लगाया गया है. तो अगर कैंपस के बारे में बात करें तो कैंपस में ग्रीनरी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी. इसका जो रोड है बहुत अच्छे से बिल्ड हुई है. तो कुछ इस तरीके का ये पहला प्ले ग्राउंड है एंड ये दूसरा प्ले ग्राउंड है जिसका काम चल रहा है. यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल वगैरह होते रहते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ किस तरीके का एंड सामने जो बिल्डिंग है सारा एडमिशन से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑफिशियल काम किया जाता है यहाँ पे. मास कम्युनिकेशन जिसका स्टूडेंट हूँ मैं, वो डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, थोड़ी सी पेंट पुरानी हो गई है लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अव्वल दर्जे पे. तो अभी जो मैं पहुँच चुका हूँ वो है पटना कॉलेज का जो कैंटीन, जो कि फिलहाल में खुला. तो एंड यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हैं, कुछ बड़े भाई बैठे हैं. तो उनसे पूछता हूँ कि पटना कॉलेज में जो कैंटीन खुला है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड यहाँ पे जो खाना पीना मिल रहा है उसका क्वालिटीज़ क्या है एंड यहाँ पे मतलब प्राइसिंग वगैरह कैसी है. भैया ये जो खुला है पटना कॉलेज में कैंटीन, तो इसका मतलब रिव्यू आप क्या देना चाहिएगा अपने तरफ से आउट ऑफ 10 में? मतलब आउट ऑफ 10 में हम 6 रिव्यू देना चाहेंगे, क्योंकि कैंटीन में जो जनरल फैसिलिटी रहना चाहिए वो सही है. मतलब लगभग सही है फैसिलिटी जितना भी रहना चाहिए और जितना भी कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है. और भी कुछ लोग हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि उनका क्या रिव्यू है कैंटीन के बारे में. तो भैया आपका क्या रिव्यू है कैंटीन के बारे में? कैंटीन अच्छा है, किचन बेस्ट है, साफ है, क्लीन है. यहाँ सब बाहर और कैंटीन के अलावा यहाँ का कंपेयर किया जाए तो कैंटीन का प्राइस लमसम कम ही है और अच्छा है. जैसे मैं कैंपस में घूम रहा हूँ एंड यहाँ पे जो मतलब अच्छा मतलब रोड वगैरह अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, अंदर से वेल मेंटेन्ड है. तो अभी चलता हूँ आगे एंड आप लोगों को और भी कुछ दिखाना चाहूँगा. उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे तो NSS एंड यहाँ पे NCC का ये है पटना कॉलेज. साइंस कॉलेज का जो घाट है कुछ इस तरीके का है एंड जो यहाँ पे जो बना हुआ है आप कह सकते हैं मरीन ड्राइव करे तरीके से. एक जगह मैंने सुना था कि मरीन ड्राइव से बोलते हैं, बेसिकली आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं. मेरे हिसाब से थोड़ा सा बहुत ड्राइव ही बोल सकते हैं. बहुत साफ़ सफाई है, मेनटेन्ड है, ज़बरदस्त तरीके से लंबाई चौड़ाई है इसका एंड यहाँ पर गंगा जी का जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है. यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आप भगवान या फिर गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं. इनसे पूछता हूँ कि जो कैंपस है यहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी है? भैया जो पटना कॉलेज जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था एक समय में, तो उसमें अभी पढ़ाई का क्या सिचुएशन चल रहा है एंड आपका कौन सा स्ट्रीम है यहाँ पे? मेरा स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में है एंड आपका जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है उसमें कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है वहाँ पे? आप फैसिलिटीज़ क्या क्या दी गई है? हमारे जो क्लास में स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है. स्मार्ट बोर्ड यानी कि प्रोजेक्टर? हाँ, प्रोजेक्टर. तो प्रोजेक्टर पे पढ़ाई होती है वहाँ पे? प्रोजेक्टर लगा हुआ है अभी देखने के लिए. देखने के लिए मतलब अभी यूज नहीं हो रहा है? अभी कनेक्शन उसका पूरा नहीं हुआ है, नया आने वाला था. तो स्मार्ट बोर्ड लगा दिया गया है बच्चों की सुविधाएं के लिए ही लगाया गया है. और दूसरी बात, हमारी जो पढ़ाई होती है हमारे टीचर्स बहुत ही सीनियर है. जैसे कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के टीचर अंजनी सर मतलब इतने सीनियर हैं कि उनको स्टैटिस्टिक्स के इतने बड़े बड़े थ्योरम मुंह से याद है कहाँ पे डॉट होगा कहाँ. मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उनके पास पूरा मतलब अच्छा नॉलेज है. नाम क्या है? मेरा नाम निशांत कुमार है. निशांत कुमार है नाम है आपका. तो आप कैंटीन के बारे में क्या रिव्यू देना चाहिए? कैंटीन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतर सुविधा शुरू किया गया था, लेकिन ये सुविधा बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था. लेकिन ये नए के आने से पहले धावाजाही में एक रात में खड़ा कर दिया गया. और जब ऑक्सफोर्ड कहा जाता था तो यहाँ ऑक्स रखा गया और फोर्ड को बेच दिया गया. वही बराबर कॉलेज है. इस तरीके से बच्चा पढ़ना इसलिए चाहता है, अगर उसको प्लेसमेंट का गारंटी रहेगी नहीं, बच्चा अपना 3 साल देगा
सबसे बड़ा बात है। तो कुछ इस तरीके के साथ खट्टा मीठा एक्सपीरियंस मिल रहा है अभी, और चलता हूँ आगे एंड कुछ और रिव्यू लेता हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ कुछ और लोगों से रिव्यू लेने के लिए जो कि यहाँ पटना कॉलेज के स्टूडेंट है, तो उनसे पूछता हूँ कि कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है। अभिषेक, क्या एनवायरनमेंट है कैंपस का? तो अभिषेक से मैं पूछना चाहूँगा, बस छोटा सा सवाल पूछूंगा अभिषेक से। अभिषेक, यहाँ पे मतलब तुम रिकमेंड करोगे न्यू कमर्स को कि एडमिशन यहाँ पे लेना चाहिए? ये कॉलेज जो है वो पुराने इतिहास की वजह से चल रही है। इसका माहौल ऐसा है कि यहाँ पढ़ाई कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अभिषेक, ये रिव्यू रहा। तो चलता हूँ और आगे, एंड आगे जो लोग हैं उन लोग से भी पूछूंगा। तो अभी मेरे साथ है मेरे डिपार्टमेंट के केशव भाई एंड सार्थक मेरा क्लासमेट है। तो इनसे जानता हूँ कि, इन दोनों से जानता हूँ कि जो कैंपस है इसका माहौल कैसा है। एंड मास कम्युनिकेशन के बेसिकली ये है, मेरे से एक साल सीनियर है, देखने में नहीं लगते हैं बट सीरियसली सीनियर है केशव भैया हमारे। तो केशव भैया से पूछता हूँ कि जो मास कम्युनिकेशन हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ाई लिखाई कैसी है, एंड कोई एडमिशन लेना चाहता है 12th पास मास कम्युनिकेशन में तो उसको लेना चाहिए कि नहीं? क्लासेस तो काफ़ी सही चलते हैं एक हद तक, क्लासेस काफ़ी सही चलते हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मेरा क्लास है उसमें मतलब कुछ दिन पहले प्रोजेक्टर वगैरह का फैसिलिटी दिया गया, पहले नहीं था। पहले पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती थी ज़रूर, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल मिसिंग था तो उसको भी पूरा कर दिया गया। तो आप इसमें आराम से एडमिशन लीजिए, कोई झंझट नहीं है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड केशव भैया से मैं ये भी पूछूंगा, तो भैया आप क्या सजेस्ट करते हैं एडमिशन के लिए? एडमिशन्स के लिए यहाँ बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होती हैं उसमें थोड़ा सा कटौती है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। सर उधर तुमको कैसा लगता है एनवायरनमेंट, ये बताओ? ये बेसिकली महाराष्ट्र का मुंबई का रैपर है ये। तो इससे अभी पूछता हूँ कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसका, जो पटना कॉलेज है उसका एनवायरनमेंट कैसा लगता है सार्थक को? तो सार्थक तुमको बताओ तो मैं कंपैरिजन बेसिस पे बताऊँगा। इसके पहले मैं मुंबई के कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी में था और अभी पटना यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मुंबई में कैसा है कि लोग मतलब अपने में ही ऐसा रहते, ऐसा लगता नहीं है कॉलेज में जाते तो लगता नहीं है कि कॉलेज है, कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सब लोग अपने बिजी रहते हैं, जाए तो जाए किधर, एक टाइम पैसा लगने लगता है। यहाँ पे पटना कॉलेज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इधर लगता है कि कॉलेज में हो, क्योंकि इधर इन्वायरमेंट है वैसा, बहुत कुछ करने के लिए जा सकते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, लाइब्रेरी है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर आप बोर नहीं होइएगा, अगर आप फालतू चीज़ों में ना पढ़े तो। तो अभी मेरे साथ है मेरे क्लास का मेरा फ्रेंड ज्योत प्रकाश। तो ज्योत प्रकाश से पूछते हैं कि हमारी क्लास में मतलब जो पढ़ाई लिखाई होती है तो उसका क्या, मतलब ज्योत प्रकाश को पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या बोलना चाहेगा ज्योत प्रकाश जो हमारे क्लास में पढ़ाई होती है? ज्योत प्रकाश, तुम अपने क्लास के पढ़ाई के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सेमेस्टर प्रॉब्लम होने, सिस्टम आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जो बेसिकली कुछ दिन में ठीक किया जाएगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होने वाला है, एग्ज़ाम का भी प्रेशर है, इधर इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन को लेकर के कैंपस में काफ़ी गहमा गहमी रहती है, पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग इलेक्शन की वजह से, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, कैंपस आपके लिए है, कैंपस आपका स्वागत के लिए तैयार है, हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, फ्रेशर का वेलकम है यहाँ पे। सबसे पहले एक्चुअली उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि निगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहे, बाकी सकारात्मकता पटना यूनिवर्सिटी में और पटना कॉलेज में पूरा भरा पड़ा है, उठाइए मज़ा लीजिए, गंगा का घाट है, फिर बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही आपके फेवर में, हम लोग रहेंगे, आपके टीचर यहाँ पे फेवर में रहेंगे, सारे डिपार्टमेंट आपके फेवर में रहेंगे, ऑल द बेस्ट। तो मेरा जो पर्सनल रिव्यू है कि आप बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन ले, बस ये है कि नेगेटिव एलिमेंट पे ना पढ़ें, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले।